बच्चों आज का टॉपिक है हमारा डैम्प ऑसिलेशंस। ठीक है, हमने बच्चों ऑसिलेशंस देखे, याद करिए एक एग्जांपल है हमारे पास। मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल सा पेंडुलम है, ये पेंडुलम अभी फिलहाल अपने रेस्ट या फिर मीन पोजीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। ठीक है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर हमने सस्पेंड की है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो है ये हमारा बॉब है, ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं। अब बच्चों मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ऐसा एक्सटर्नल पोस्ट लगाकर छोड़ देता हूँ, तो यहां से इधर आएगा। छोड़ देने के बाद अपने आप इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण बॉडी ऑसिलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ऑसिलेशंस है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसका जो हमारे पास इक्वेशन है, यानी इसके बारे में जो पढ़े हम SHM पढ़े, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन याद करिए क्या था इक्वेशन वो, यस d2s/dt² + ω² x = 0। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या था, इक्वेशन था। उसके बाद में हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखी, एक्सेलरेशन देखा, बहुत सारी चीजें देखी। ठीक है, अब उसी प्रकार इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चों में इसको यहां लेके जाने के बाद छोड़ दिया हो, आप इसको अगर धीरे 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 देखेंगे, सो धीरे धीरे इसके ऑसिलेशन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, खत्म होते हैं, और फाइनली आप देखेंगे ये अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ कि इसके ऑसिलेशन खत्म हुए, इसकी मोशन खत्म हुई। सो इसकी मोशन क्यों खत्म हुई, इसके ऑसिलेशंस क्यों डिक्रीज हुए। अब स्टार्टिंग अगर विचार करते तो यहां तो उसका पहले एम्पलीट्यूड था, याद करो एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहां तक था हमारा एम्पलीट्यूड। और फाइनली उसके बाद में देखा तो धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा, और फाइनली वो अपने मीन पोजीशन पर है। मतलब बॉडी अब एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन एकच हो गए, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी जीरो हो गया। मतलब पहली बार धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होने लगा, कम 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 होने लगा, फाइनली जीरो हो गया। इसका अर्थ है कि कंप्लीटली इसके ऑसिलेशंस, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम ऑसिलेशंस। ये देखो क्या हमारे पास डैम ऑसिलेशन में, ये पीरियोडिक ऑसिलेशन है, लेकिन इसमें धीरे 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 इसके एम्पलीट्यूड क्या होते गया, कम 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 हुआ और फाइनली जीरो हो गया। सो ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहेंगे डैम ऑसिलेशंस। मतलब अगर उसको हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, द पीरियोडिक ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड फाइनली बिकम जीरो, दोज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज डैम ऑसिलेशंस। ठीक है, तो यही डैम ऑसिलेशंस, इसका हमको इक्वेशन देखना है, पीरियड देखेंगे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, ये सब चीजें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो देखो अब थोड़ा सा इसका इक्वेशन निकालने के लिए कुछ चीजें हमको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। अब देखो जैसे कि यहाँ पे इसके ऑसिलेशंस खत्म हुए, लेकिन ये खत्म क्यों हुए अगर इसका विचार करते हम, ठीक है। सो जब ये ऑसिलेट हो रहा था तो आप देखेंगे, ज्यादा मायने में नहीं हो लेकिन ये चीज है कि यहां पर इस पेंडुलम को, इस ऑसिलेटिंग सिस्टम को एयर रेजिस्ट करती है, और एयर अगर रेजिस्ट करती है तो हमारी स्पीड कम होगी। दूसरी बात यहां पे आप देखिए, यहां जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे जब ऐसा ऐसा इधर होता तो हल्का सा फ्रिक्शन भी होता, तो वो फ्रिक्शन भी हम क्या करेगा, इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की मोशन कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, सो इसके कारण इसमें डैम्पिंग होता, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके कारण इसकी मोशन कम 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 होती जाती है, उसको हम कहेंगे ड्रैग फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, ड्रैग फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स, जो इसकी मोशन को क्या करने की कोशिश करता, कम कम करता। अब वो चाहे फ्रिक्शनल हो तुम्हारा या फिर चाहे तुम्हारा एयर रेजिस्टेंस हो, तो वो जो ड्रैग फोर्स है जो इसकी मोशन को कम करने की कोशिश करता है, अब थोड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए बच्चों की अगर आप साइकिल लेकर या फिर मोटर बाइक लेकर जा रहे हो, नॉर्मल स्पीड से अगर जा रहे हो, सो आपको एयर लगेगी तो सही, लेकिन उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी स्पीड को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो आपको वो एयर महसूस होती है, ऐसा लगता है कि वो एयर आपको ढकेलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपको अपनी अपनी स्पीड को क्या कर लो, और भी क्या करो, बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपके बाल ऐसे पूरे पीछे चले जाते हैं,
ठीक है, अपने जो कपड़े हैं, जो शर्ट है, वैसा पीछे ढकेला जाता है, मतलब आपको एयर आपकी मोशन को, आपको आपके बाइक को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, मतलब और आप क्या करो, स्पीड बढ़ाओ, जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे एयर आपको ज्यादा से ज्यादा ढकेलने का काम करते रहेंगे। इसका मतलब एयर का ढकेलना वो होगा हमारा ड्रैग फोर्स, लेकिन ये ड्रैग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप देखो ना, जैसे आपने स्पीड बढ़ाई, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतनी एयर आपको रेजिस्ट करेंगे, मतलब ड्रैग फोर्स जो है, डैम्पिंग फोर्स जो है, आपके वेलोसिटी पे डिपेंड करता, और वो भी कैसे, डायरेक्टली, ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम है, ऑब्वियस है कि जिस मीडियम में है, जैसे आपको अभी एयर रेजिस्ट कर रही है, मतलब यहाँ पर जो मीडियम है वो फिलहाल एयर है, तो जिस मीडियम है उस पर तो डिपेंड करेंगे, लेकिन आपके वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। सो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा आपका होगा डैम्पिंग फोर्स, उतना ज्यादा होगा आपका ड्रैग फोर्स, ठीक है। सो मैं इस ड्रैग फोर्स को बता देना चाहूंगा, मान लीजिए मैं एफडी से बताता हूँ, ठीक है। सो ये जो एफडी है, ये आपके वेलोसिटी पे डायरेक्ट क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अब जैसे कि आप हो, आप बाइक पे जा रहे हो, तो ये एक सिस्टम बन गए, उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम इसकी बात करते हैं, ये एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, ये ऑसिलेटिंग सिस्टम, जितना ज्यादा इसकी स्टार्टिंग की स्पीड होगी उतना ज्यादा इसके ऊपर क्या लगेगा, डैम्पिंग फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे माइनस साइन को पुट कर देता हूँ। अब माइनस साइन को पुट करने का मतलब क्या है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये आपकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस बी इंटू वी। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो B है आपका, ये जो आपका B है, इसे हम कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको हम, डैम्पिंग कांस्टेंट। ध्यान में रखना, वैसे तो ये हमारा मालूम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हम उसको नाम दे देंगे डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या नाम दे देंगे, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों आप देखो, ये जो FD है यानी डैम्पिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी इंटू वी, जो एक दूसरे के साथ, जैसे ड्रैग फोर्स और वेलोसिटी की बात करते थे, एक दूसरे के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा आपका डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। और तो ये रिलेशन आपको मिल गया, ये ड्रैग फोर्स। दूसरी बात, आप देखो अभी ये सिस्टम में वापस आ जाते हैं, इस सिस्टम में आप क्या करो, वापस आ जाओ, इस तरह से था, तो पहले तो हमने क्या किया था कि इसके ऊपर फोर्स लगाया, ओके, लेकिन उसके बाद छोड़ देने के बाद ये अपने आप ऑसिलेट होना क्या हो गया, शुरू हो गया, तो वो किसके कारण था, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। सो बच्चों हमारा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स आप उसको एफआर से बता सकते हैं। सो वो हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस के इंटू एक्स। ये हमने देखा यहाँ पे के क्या है, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, आप इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो, और एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये हमारा स्टार्टिंग में हो चुका है। सो बच्चों अभी हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर, सो इसके ऊपर ये ड्रैग फोर्स भी एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होता, लेकिन वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू ड्रैग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इसके तुलना में कम है, इसलिए आप उसको निकाल दीजिए, निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। सो जब एकाधिक ऑसिलेटिंग सिस्टम ऑसिलेशंस बनाते रहती है, तो उस पर हमारे पास ड्रैग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होते रहते हैं। मैंने कहा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होता, लेकिन इन दोनों की तुलना में वो थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, इसलिए हम उसको निकाल देते हैं। तो बच्चों कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑसिलेटिंग सिस्टम कितना हो गया, जो टोटल फोर्स है मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज F इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी भी एक्ट होगा, उसके बाद एफ आर भी एक्ट होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स था हम उसको निग्लेक्ट कर चुके, यानी आपके पास होगा एफ डी प्लस एफ आर, ठीक है। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑसिलेटिंग सिस्टम, या फिर आप उसे ऑसिलेटर भी कह सकते हो, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, एफ डी प्लस एफ आर। अब जैसे कि आपको मालूम है जो फोर्स है, फोर्स का फार्मूला आपको मालूम है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी आप इसको एम इंटू ए ले सकते हो, एक्सेलरेशन,
इज इक्वल टू एफ डी क्या है हमारे पास, इट इज माइनस बी वी, ठीक है। और एफ आर भी देखो, एफ आर क्या है, माइनस के एक्स है सब, ठीक है। चलो आप इसको क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। सो ये बन जाएगा एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हो। तो यह एम इनटू क्या बन जाएगा, डी टू एक्स बार डी टी स्क्वायर प्लस ये बी है, आपको मालूम है बी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कैसा लिखेंगे हम, डी एक्स बाय डी टी और प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों आप अगर देखेंगे, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये किसका इक्वेशन है हमारा, डैम्प ऑसिलेशन का इक्वेशन है। हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं। हमने फिलहाल किससे देखा है कि ये सिंपल सा सिंपल पेंडुलम है जो ऑसिलेटिंग सिस्टम ऑसिलेटर के तौर पर लिया। हम दूसरा एग्जांपल लेकर भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आ चुका है, यम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। This is the equation of damp oscillation. क्या बोलेंगे हम इसको, equation of damp oscillations, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ये देखेंगे तो मैथमेटिक्स में हम ऐसे टाइप के इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर टू। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैथमेटिक्स में हम देखते ही इसको। तो इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, यानी सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, x इज इक्वल टू a e पावर माइनस बी टी बाय टू एम इन टू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। आप ये इक्वेशन ध्यान में रखिए। सो ये इस चीज का क्या है, सोल्यूशन है, जो कि हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो x क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अगर हम SHF की बात करते हैं तो वहां पर क्या था, x is equal to a sin omega t plus 5। अब देखो ये जो चीज है omega t sin के फॉर्म में हो cos के फॉर्म में हो वो मतलब हमारा ऑसिलेटिंग है, ठीक है, हार्मोनिक तो है, ठीक है। अब आप देखो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड था, साइन के पहले वाला कॉस के पहले वाला जो भाग रहता वो हमारा एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे कॉस के पहले वाला इतना जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, फिर हमारा एम्पलीट्यूड बन जाएगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक नए लेटर से बता देता हूँ, ठीक है। टू एम इज इक्वल टू मान लीजिए मैं रख देता हूँ आर। सो ये बन जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू आर इन टू क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। सो ये आप देखेंगे, ठीक है, तो ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और आर यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये क्या हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेशंस, ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। बच्चों इसमें आप देखेंगे ये जो ओमेगा डैश है ये आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो होता है होता है हमारा फेज होता है, ठीक है। सो अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं, सो आपको ओमेगा डैश यानी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरह से मिलती है, ठीक है। वहां पर हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी हमको क्या मिलेगी, अंडर रूट के बाय एम मिलेगी। अब डैम्प पे हमको थोड़ा सा चेंज होगा, वो मिलेगा ओमेगा डैश इज इक्वल टू ध्यान में रखना है के बाय एम माइनस बी बाय टू एम उसका स्क्वायर। सो ये हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ में देखो इसको हम नाम दे देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पीरियड की, ठीक है, तो पीरियड ऑफ डैम्प ऑसिलेशंस, तो आपको मालूम है पीरियड का जनरल फार्मूला क्या है, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, यहां पर ओमेगा डैश। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, ये 2 पाई है, ओमेगा डैश का फार्मूला क्या आ चुका है हमारे पास, के बाई एम माइनस बी बाय टू एम उसका स्क्वायर। सो फाइनली आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए क्या होगा, के बाई एम माइनस बी बाय टू एम उसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका बनेगा कौन सा, पीरियड ऑफ डैम ऑसिलेशन। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब थोड़ा फोकस करते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा फोकस किस पे करते हैं, यहाँ पर फोकस करिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में अगर ये एसएचएम होती, ठीक है, सो हमारा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम आता, तो उसके अनुसार हमारा क्या आता, पीरियड आता। अब फिलहाल यहाँ पे के बाय एम के साथ एक्स्ट्रा का ये जो फैक्टर आप देख रहे हो बी बाय टू एम उसका स्क्वायर,
दूसरी बात ये माइनस में है, दूसरी बात ये किस में है बच्चों, माइनस में है, मतलब ये जो b by 2m का स्क्वायर है वो वैल्यू इस k by m से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, मतलब k by m के इस वैल्यू में से ये वैल्यू निकल रही है। इसका अर्थ ये है कि हमारी ये वैल्यू और भी कम हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके बाद कम और वो भी उसका रूट, रूट में और वैल्यू कम होंगी, मतलब अगर हम देखते हैं तो यहां पर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, और जब भी डिनोमिनेटर कम होता है ना मेरे बच्चों, सो कंप्लीट फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू अगर है सो इस k by m में से ये वैल्यू माइनस हो रही, मतलब ये पूरा रूट के अंदर का पूरा भाग कम हो रहा, मतलब रूट पूरा कम हो रहा, मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कम हो रहा, और डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा मतलब मेरे बच्चों यहाँ पे जो t है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पीरियड बढ़ता है, यानी क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डैम्प ऑसिलेशन में, ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन में पीरियड इंक्रीजेस, पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, पीरियड क्या होता है बच्चों यहाँ पर, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा आगे की बात करते हैं, वही चीज देखो आप यहाँ पर देखो, हमारे पास r is equal to, ठीक है, हमने r के जगह पे ये सब रखा है, सो यहाँ पे भी माइनस b by 2m का स्क्वायर आ रहा, और वो भी e का पावर है, वो भी माइनस है, इसलिए मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो r है वो डिक्रीज होगा, यहाँ पे r क्या होगा, डिक्रीज, r डिक्रीज होने का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड कम 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 होगा, देखो r क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होगा और पीरियड बढ़ेगा, ठीक है, किस फैक्टर से, ये जो एक्स्ट्रा का फैक्टर, यहाँ पे जो t है ना, t पे टाइम, इधर करना, t क्या है हमारे पास, टाइम, ठीक है, तो टाइम के अनुसार होने वाला है, ठीक है, सो ये जो b by 2m उसका स्क्वायर है, या फिर यहाँ पे बात करते हैं b by 2m, ठीक है, क्योंकि माइनस है, इसको अगर सॉल्व करते तो 1 ओवर e पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज बन जाएगी r is equal to a into, यहाँ पर क्या होगा, 1 ओवर e पावर b by 2m into d, ऐसा हो जाएगा। सो फिर से देखो, इसके कारण मैंने कहा इसके कारण यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर में होने के कारण यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा इसलिए कॉम्प्लीट r की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी चीज के कारण b by m 2m है, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा मतलब डिनोमिनेटर कम हो रहा तो t बढ़ेगा, ठीक है, मतलब डैम्प ऑसिलेशंस में क्या होता है, पीरियड बढ़ता है और एम्पलीट्यूड कम होता है, पीरियड क्या होता है, बढ़ता है और एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक है, और वो भी e के पावर में है, तो एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली कम होता है, मगर मतलब अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे, ठीक है, टाइम के साथ में अगर आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखेंगे, सो ये आपको कुछ इस तरह से क्या मिलेगा, इस तरह से हमको आंसर मिलेगा, ठीक है, फाइनली, मतलब अगर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, आप देखो ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ एक्सपोनेंशियली, ठीक है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, मतलब हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है, और पीरियड यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है बच्चों, सो ध्यान में रखना है डैम्प ऑसिलेशंस, डैम्प ऑसिलेशंस में क्या होता है कि ऑसिलेशंस कम 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 होते हैं, फाइनली मीन पोजिशन पे आकर बॉडी रुक जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते हैं, ठीक है, उसके लिए कारण क्या है कि उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो भी जो चीजें हैं उसके कारण क्या होता है, ड्रैग फोर्स एक्ट होता है, ड्रैग फोर्स के कारण ये चीजें घटने लगती है, ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली उसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो खुद रिस्टोरिंग फोर्स वैसे भी एक्ट होता है, ड्रैग फोर्स एक्ट हो रहा है तो साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, लेकिन हम उसको कम होने के कारण निग्लेक्ट कर देते हैं, तो टोटल फोर्स जो है इतना Fd plus Fr एक्ट होता है ऑसिलेटिंग सिस्टम पर, इसको सॉल्व करने के बाद हमको इक्वेशन ऑफ डैम ऑसिलेशंस मिलता है, उसको सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलता है, तो उसके बाद इतना जो पार्ट है ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जो हमारा फाइनल इक्वेशन देता है x is equal to r cos ओमेगा डैश t प्लस y, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा डैश हमारे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो ध्यान में रखना है आपको रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, उसके कारण हम टाइम पीरियड देखेंगे यहाँ पर, और टाइम पीरियड में यहाँ हमने चेक किया, ठीक है, कि बी बाई टू एम इस फैक्टर के कारण
ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ते नजर आता है। वही यहाँ पर आप देखेंगे उसी b by 2m, लेकिन पावर माइनस में होने के कारण जो r है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो कम होते नजर आता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्सपोनेंशियली कम होता है इस प्रकार से। मतलब अगर डैम ऑसिलेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। जैसे वहां पर SHM के लिए क्या था, SHM के लिए आपने देखा होगा वहां पर क्या था, इस तरह से था, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, डैम ऑसिलेशंस के लिए, डैम ऑसिलेशंस के लिए ये, SHM के लिए क्या है ये, ठीक है। सो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम आपको पिक्स के जरिए आपको सेंड करेंगे। ओके बच्चों, बाय।